अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आज एक बार फिर वो दिन याद दिला दिए हैं जब भाजपा ने देशव्यापी महंगाई का विरोध करते हुए केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब भाजपा की तमाम महिला नेताओं ने सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। आज लगभग वैसा ही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की शहर इकाई ने आज सिलेंडर की कीमत में 150 रुपये का एकाएक इजाफा करने का विरोध करते हुए खाली सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण आम जन का जीना दुर्भर हो गया है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान ना देकर अन्य भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आपको वह दिन अच्छे से याद होगा जब भाजपा के तमाम पदाधिकारी व नेता सड़क पर उतर आए थे, कभी प्याज को लेकर तो कभी पेट्रोल और कभी गैस सिलेंडर की बढ़ते दामों को लेकर। तब विपक्ष की राजनीति कर रहे इन लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, सरकार को जल्द ही कुछ करना चाहिए। इन विरोध प्रदर्शनों की हवा बनी और केंद्र सरकार से कांग्रेस की रुखसती हो गई और भाजपा नीति गठबंधन केंद्र में आ गई। आज शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी व अन्य। मैं महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, शहर कांग्रेस कमेटी पूरा परिवार, आज बढ़ी हुई कीमत सिलेंडर की, जो हिंदुस्तान के इतिहास में आपने न सुना होगा, न सोचा होगा, न कल्पना की होगी कि 150 रुपये भी सिलेंडर पर बढ़ाए जा सकते हैं। आज गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई है, गरीब भूखा मर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हिटलर शाही मोदी सरकार ने दिल्ली की झुंझल में आकर, दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव में उनकी दुर्दशा हुई है उसको देखते हुए उन्होंने 150 रुपये सिलेंडर पे जो बढ़ाए हैं, आम आदमी पेट से पत्थर बांधकर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर है। आज मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, खेती करने वाला, बुनकर, किसान, आज दलित समाज परेशान है। कहाँ से लाएंगे वो गरीब जो 200 रुपये की मजदूरी करते हैं, 900 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप कर 150 रुपये जो कीमत बढ़ाई गई है सिलेंडर की, इसे तत्काल वापस लिया जाए। हम पूरा कांग्रेस परिवार आज पूरा मांग करते हैं इस बात की कि 150 रुपये वापस लिए जाए। देखिए, छोटा और बड़ा सिलेंडर, आप गैस से मतलब है। दूसरी बात, आप गरीबों में जाइए, झोपड़ी में जाइए, देहात में जाइए, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो छोटा सिलेंडर भरवाते हैं, जो छोटे बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर भरवाते हैं, जिन पे पैसे नहीं हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो 50 रुपये की गैस डलवाते हैं। तो हम उन गरीब झोपड़ी वालों की भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनका भी अपने साथ दर्द बांटना चाहते हैं जिनकी रोटी से थाली से रोटी गायब हो गई है। ये है कि मोदी जी ने एकदम 150 रुपये गैस के ऊपर बढ़ा दिए हैं। ये कोई इतना बढ़ाने का, अभी हम लोग जब कांग्रेस के टाइम में बहुत कम गैस थी और उसके विरोध में स्मृति ईरानी जी ने धरने प्रदर्शन सड़कों पे किए थे, तो अब जो उन्होंने घटाने के बजाय इतने बढ़ा दिए। पहले तो उन्होंने फ्री में उज्ज्वला गैस बांटी है और उसका अब ये फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर वो देने के बाद अब उस पर रेट बढ़ा दिए गए, तो बताओ ये कहाँ की इंसाफ है? ठीक बात है। और दूसरी बात ये कि हर महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना, रसोई चलाना, बच्चों को पालना, उसके बाद इतनी महंगाई में गैस इतनी महंगी कर दी है, तो इसमें कोई भी महिला, इसमें मुझ महिला का कोई भी परिवार खुश नहीं है। बता दें कि बिना सब्सिडी वाली रसोई सिलेंडर गैस LPG सिलेंडर में बुधवार 12 फरवरी से करीब 150 रुपये का इजाफा हुआ है। देश के बड़े महानगरों की बात करें तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 14 किलो के इंडियन गैस सिलेंडर की कीमत 144.50 रुपये की तेजी के साथ 858.50 रुपये हो गई है। INS की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल के दौरान LPG सिलेंडर की कीमतों में यह अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।